अब हम ओपीडी ऑटोमेशन में देखेंगे एंट्री स्क्रीन। एंट्री स्क्रीन में हम पेशेंट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट का नेम एंटर करेंगे। एड्रेस एंटर करेंगे। एज जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे, जो जो सर्विस पेशेंट को दी जानी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सेव अनदर विजिट। अगर कोई पेशेंट हमारे पास दो बार आया है तो उसके लिए हम सेव अनदर विजिट करेंगे। न्यू, नए पेशेंट की एंट्री करने से पहले न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रिंट, अगर हमें पेशेंट की डिटेल सेव और प्रिंट करनी है तो सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे। रिप्रिंट, दोबारा प्रिंट, प्रिंट प्रीवियस, पहला कोई सी डिटेल हमें प्रिंट करनी है तो हम प्रिंट प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। डिलीट करने के लिए डिलीट और सर्च ओल्ड एंट्री के लिए, कोई पिछली एंट्री हमें सर्च करनी है तो उसके लिए हम सर्च ओल्ड एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसे सेव एंड प्रिंट करते हैं। ओके, ये हमारी पेशेंट डिटेल यहाँ पर आ गई है।